नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑटो इन्फिनिटी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। फ्यूल के लगातार बढ़ते प्राइस के बीच में ये इकोनॉमिकल और एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 10 बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन पर आता है बिगस D15 प्रो। ये मॉडल आपको 5 कलर ऑप्शंस में मिलेगा। इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की भी सुविधा है। आप आपके थ्रू ही बैटरी हेल्थ, डिस्टेंस टू एम्प्टी, चार्ज टाइम, एंटी थेफ्ट अलर्ट और नियर बाय चार्जिंग पॉइंट का पता लगा सकते हो। इसमें एक 3.2 किलोवाट आर की डिटेचेबल बैटरी है जो 4 घंटे में 0 से लेकर 80% तक चार्ज हो जाती है और एक बार की चार्जिंग से ये आपको 115 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इस स्कूटर की मैक्स स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी मोटर डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है और इसकी बॉडी भी रस्ट प्रूफ मेटल से बनी है। D15 प्रो आता है LED लाइटनिंग्स और DRLs के साथ में। साथ ही में इसमें कंबाइंड ड्रम ब्रेक्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाते हैं। बात करें प्राइस की तो इस स्कूटर की प्राइस 1.46 लाख रुपीस है। लिस्ट में नंबर 9 पोजीशन पर आता है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX। हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX एक डुअल बैटरी स्कूटर है। ये एक सिलेंडर डिजाइन और ब्यूटीफुल लुक्स वाला स्कूटर है जो आपको कम्फर्टेबल राइड देता है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये क्रूज कंट्रोल, रिवर्स असिस्ट और वॉक असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको रिमोट स्टार्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। इसकी बैटरी की बात करें तो वो एक 1.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है। इसका चार्ज टाइमिंग 4 से 5 आवर्स का है और एक बार चार्ज होने पर 140 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर कर लेता है। इसकी मोटर 25 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड देती है। एंड फाइनली बात करें प्राइस की तो इसकी प्राइस 85,000 रुपीज़ है। लिस्ट में नंबर 8 पोजीशन पर आता है बाउंस इन्फिनिटी E1। ये इंडिया में विथ एंड विदाउट बैटरी बैक बेचे जाने वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये ऑल LED लाइटनिंग और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आता है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है और इसके साथ इसमें रिवर्स मोड, क्रॉल फंक्शन एंड क्रूज कंट्रोल भी है। इसमें 1.9 किलोवाट आवर की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी है जिसका चार्ज टाइम 4 घंटे का है। ये स्कूटर आपको 65 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देता है एंड एक बार चार्ज होने पे 85 किलोमीटर तक की रेंज। इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम विथ डिस्क ब्रेक, 12 इंच अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स एंड 12 लीटर अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इंस्टॉल्ड बैटरी वाले वेरिएंट्स की प्राइस ज्यादा है और स्वैपेबल बैटरी वाले वेरिएंट्स की कम। इसकी प्राइस रेंज 64,000 से लेकर 105,000 रुपये तक जाती है। लिस्ट में नंबर 7 पोजीशन पर आता है एम्पियर मैग्नस EX। ये एक वेरिएंट एंड 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इसमें एक LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसे आप बिना की के एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको 2 राइडिंग मोड, इको एंड क्रूज मिलते हैं। इसमें रिवर्स मोड एंड लिंप होम मोड भी है। इसकी बैटरी की बात करें तो आपको 2.3 किलोवाट आवर की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो फुल्ली चार्ज होने में 6 से 7 घंटे लगाती है। एक बार चार्ज में ये आपको 80 से 100 किलोमीटर तक की रेंज देती है एंड इसकी मोटर की टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें हेलोजन हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स दिए गई हैं। साथ ही में इसमें कॉम्बी ब्रेक, 10 इंच स्टील व्हील्स एंड आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। बात करें प्राइस की तो इसकी प्राइस 1.05 लाख रुपीज़ है। लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पर आता है ओकिनावा रिज प्लस। दोस्तों ये स्कूटर आपको 2 वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है लेकिन दोनों में सिर्फ GPS का फर्क है। इसका डिजाइन अट्रैक्टिव है और ये 3 कलर्स में अवेलेबल है। इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और मोबाइल कनेक्टिविटी की फैसिलिटी भी है। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 1.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसे चार्ज होने में करीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं एंड इसकी क्लेम्ड रेंज 84 किलोमीटर की है एंड इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें LED लाइटनिंग, ड्रम ब्रेक्स, 10 इंच अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। इसके विदाउट GPS मॉडल की प्राइस 69,000 है एंड विथ GPS मॉडल की प्राइस 76,000 रुपीज़ है। इस लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन पर आता है एथर 450X। इसमें एक 7 इंच ग्रे स्केल टच स्क्रीन कंसोल है जिसमें 2 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज है।
इसमें 4G कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गूगल मैप्स, डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। प्रो पैक के साथ आपको इसमें कलर्ड स्क्रीन भी मिल जाती है। इसमें एक 3.7 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है जो प्रो पैक के फास्ट चार्ज के साथ 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स में फुल्ली चार्ज हो जाती है एंड स्टैंडर्ड वेरिएंट में 15 घंटे तक टाइम लेती है। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की है एंड ये एक बार चार्ज होने पर 146 किलोमीटर की रेंज कवर करती है। इसमें फुल LED लाइटनिंग, फ्रंट डबल डिस्क ब्रेक, 22 लीटर अंडर सीट स्टोरेज, 12 इंच अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर्स आपको दिए गए हैं। फाइनली बात करें प्राइस की, तो इसकी प्राइस 1.28 लाख रुपीस से लेके 1.48 लाख रुपीस तक जाती है। लिस्ट में नंबर 4 पोजीशन पर आता है विडा V1। दोस्तों इसमें आपको 7 इंच का फुल कलर टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, साथ ही इसमें कीलेस एक्सेस, 3 राइडिंग मोड्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। इसमें एक 3.44 किलोवाट आवर की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग में लगभग 1 घंटे में 0 से लेकर 80% तक चार्ज हो जाती है। नॉर्मली ये चार्ज होने में 6 घंटे लगाती है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है और एक चार्ज में ये 140 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और LED टेल लाइट्स हैं, साथ ही में इसमें 12 इंच अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एंड इसमें आपको 26 लीटर का एडिशनल स्पेस मिलेगा। फाइनली बात करें प्राइस की, तो इस स्कूटर की प्राइस 1.26 लाख रुपीस है। लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर आता है बजाज चेतक। इसमें फुल्ली डिजिटल कलर्ड LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें एक 3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है जो एक फुल्ली कन्वेंशनल पावर सॉकेट से 5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो सकती है। इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर की है एंड एक चार्ज में करीबन 90 से लेकर 108 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है। इसका डिजाइन ओरिजिनल चेतक से इंस्पायर्ड है एंड स्टाइलिश लगता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें कॉम्बी ब्रेक्स, LED हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स, 12 इंच अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाते हैं। बात करें प्राइस की, तो इसकी प्राइस 1.22 लाख रुपीस से लेके 1.43 लाख रुपीस तक है। लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पर आता है TVS iQube इलेक्ट्रिक। TVS iQube इलेक्ट्रिक टोटल 3 वेरिएंट्स एंड 5 कलर्स में अवेलेबल है। इसमें एक TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो स्मार्टफोन ऐप के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल में 5 इंच का डिस्प्ले है जबकि टॉप ST वेरिएंट में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल में 3.04 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है और वही आपको ST मॉडल में 4.56 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है जो कि फुल्ली चार्ज होने में लगभग 4 घंटे लगाती है और एक बार में 100 से लेकर 140 किलोमीटर की रेंज देती है एंड इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें ऑल LED लाइटनिंग सिस्टम है, साथ ही में इसमें 12 इंच के अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर्स आपको दिए गए हैं। इसमें 7 लीटर का एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल जाता है। फाइनली बात करें प्राइस की, तो इसकी प्राइस 1.61 लाख रुपीस है। दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन पर आता है ओला S1 जो कि एक वेरिएंट में आता है एंड 11 कलर्स में अवेलेबल है। इसमें कई शानदार फीचर्स हैं जैसे कि 7 इंच टच स्क्रीन TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, GPS एंड वाईफाई कनेक्टिविटी। इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स हैं जिन्हें आप पार्टी मोड में भी यूज कर सकते हैं। इसमें 3 किलोवाट आवर की बैटरी है जो 5.5 आवर्स में फुल्ली चार्ज हो जाती है एंड इसकी मोटर 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोड्यूस करती है एंड इसकी क्लेम्ड रेंज 141 किलोमीटर की है। इसमें ऑल LED लाइटनिंग्स, कॉम्बी ब्रेक्स, 12 इंच अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स एंड 36 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाता है। इसका लुक काफी ज्यादा सिंपल एंड स्लीक है। और बात करें फाइनली इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस 1.30 लाख रुपीज है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लिस्ट। ऐसे ही बेस्ट रिव्यूज एंड टॉप लिस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।